तो दगड़ियों हमर ब्लॉग जो सब चालू है को सफर और मिलते हैं आपको आगे को। तो दोस्तों देखो आप ये नजारे और हवा इतनी तेज है यहाँ पे, बाप रे। देखो दोस्तों अभी हमने हिरन देखा, देख सकते हैं हिरन क्या जंगल में। देखो शेर की और बाघ के हमें कभी वो है तलाश है। बात करके आपको भी ये लग रहा है कि यहाँ पे ठंडा हो रहा है ना, नेटवर्क नहीं है तो उस वजह से हमको बहुत आराम है। यहाँ पे टावर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये देखो बानर, ले मेरा फोन ले जा। तो दगड़ियों हम यहाँ से मुड़ रहे हैं, मेरे पीछे एक देखो बहुत अच्छा, ये रहा ये गया, पर गुस्सा आ गया इसको। अरे भाई हम तुझे कुछ नहीं कह रहे थे, वैसे भी नाराज है, फुटबॉल है बड़ी। जानू कि जो लोग एल देख रहे हैं इंदर भाई तुम्हारे ब्लॉग के ने सब्सक्राइब करिया, बोले इंदर आर्या ब्लॉग, इंदर आर्या ब्लॉग के सब्सक्राइब करिया और लाइक करिया, शेयर करिया। मैं शू कर दिखाया घर पर बताया और दोहर बाद जैती हूँ जानी उतनी तुमको बारे में दिखानी, जैसा आज कॉर्बेट पार कह रही। अरे वाह, ये हर जगह बारे में तुमको बताने। तो अपन नना गले, अपन जो आदिम देख रही है अपन श्रेणी आ गले, और जो श्रेणी देख रही है आप आदिमु गले कॉर्बेट पार कर लिया। बताओ उनको कि प्रकृति से भी प्रेम बहुत जरूरी है। सही बात, तो घर बना लटपटार सही नहीं। और दादी आप क्या कहना चाहोगे? दो पल दादी, पहाड़ी में कुमाऊं नहीं सिर्फ कोई बात है। मैं का बहुत ही भले लागे आज ये जो हमार चंदन विश्व जी इना लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमको ये यात्रा करे। और उन्हें दगड़ में से उन्हें दोस्त हेम भाई, तो हेम भाई जी तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जतो भी लोग आ रहे हैं सबको धन्यवाद। और देखन जन भूलिया इंदर आर्या ब्लॉग, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद था। दोस्तों देखो हिरन काफी झुंड में खड़ा है, बंदर के साथ ही घूम रहा है। चीतल है, आराम से चला जाए थोड़ा खाने में इनके बढ़िया। वाह, उसके सींग में क्या होता है ऐसा? हो सींग घास सकती है ना, इसके सींग होते ही मेल होता है। देखो बहुत सारे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा अभी, दगड़ियों लड़के टूट भी जाते हैं ना आपस में लड़के। हाँ अच्छा। ये देख सकते हो पूरा हिरन का झुंड बैठा है यहाँ पे। ये देखो जो बंदर बैठे हैं ना वो पत्ते गिराते हैं, वो सामने आप देख सकते हो बंदर ऊपर से पत्ते फेंक रहे हैं और नीचे हिरन खा रहे हैं। इनकी आपस में इतना प्रेम है कि हम लोगों के भाई भाई में भी आपस में भी भाईचारा नहीं है। तो सीखो इनसे भाईचारा बना के रखो, एक दूसरे की कदर करें। ये देखो माय गॉड, वो चार
और बच्चा भी देखो छोटा है, तो दगड़ियो हम रुक रहे हैं यहाँ थोड़ा चाह पान पीने का। चंदन दा का जनमूल्या कोयल है, ठीक है ना, कहे के भूल चलो चलो चंदन दा का जनमूल्या चंदन बीस तो दगड़ियो आल हम निकल गया बोल आगे जल्दी बात दिखा दे गिरो गिरो दिखाते हैं। तो दगड़िया हमने देखा अभी बहुत प्यास लगी उसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हिरन पानी पी रहा है हमारे पीछे। बाघ आग तो दिखा नहीं दोस्तों, ये मिल रहे हैं बंदर के। आज हम घूमे जिम कॉर्बेट घूम रहे हैं, अभी तक भी शाम के बज चुके 6 और अभी हम एक घंटे बाद हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। और अभी चंदन साहब हमारे चुप हो रखे हैं, दिन भर बहुत बोले आज बहुत ज़्यादा, पहाड़ी पूरा पहाड़ी, और बहुत जल्दी वो कोटा बाग वाला प्रोग्राम ही कराने वाले हैं, वो प्रोग्राम मेरे हाथ में पूरा। ये देख सकते हैं आप देखो, हाँ मैं पहुंच चुका हूं रामनगर और हम पूरा जिम कॉर्बेट घूम के आ रखे हैं। हमें बहुत अच्छी प्यारी सी गुड़िया मिली, क्या नाम है आपका बताओ ना। अब बताओ, आप नाम ही नहीं बता रहे हो, चलो मैं जा रहा हूं फिर, बाय बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे अच्छे यहां पे लोग मिले हैं, अब मुझे पता नहीं है। और आप यहीं के हुए उत्तराखंड के, और मैं चंदन दा को जानता हूँ, और भैया को, भैया का नाम क्या था, प्रेम, प्रेम भैया की, हाँ हेम, हाँ हेम भैया की वाइफ है, आप उनकी वाइफ हो ना, और आप साले, आप अच्छा उनकी सिस्टर हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको देखो, ये उछल कूद मजा, टकलू टकलू,
हेलो गाइस, एक बार बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, चलो बाय 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 बाय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी रामनगर और भैया की गाड़ी में गए थे। भैया बताओ आपने गाड़ी, हमारी वाइल्ड फेम सफारी है, कॉर्बेट में चलती है, तो प्लीज आप सेवा का मौका दे, सेवा का मौका बिल्कुल दीजिए, जरूर दे। आपको टाइगर और साइडिंग और जंगल के बारे में काफी नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज आइए आइए। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और भैया को कॉल करके जो भी जिसको भी घूमना होगा जिम कॉर्बेट पार्क, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके बाय बाय। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं शुरू करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे 7 बज गए, 7:30, अब हमने जाना है हल्द्वानी, तो हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, चलो बाय।